यहाँ पे लिया है राइस जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, और मैं जब भी फ्राइड राइस बनाती हूँ तो मैं जो होल गरम मसाला होता है उसको ये राइस के साथ डाल के ही बॉईल करती हूँ। उससे एक बहुत अच्छा इसमें अरोमा आ जाता है राइस में। तो ये मैंने लिया है राइस। मैं यहाँ पे लूँगी चॉप किया हुआ कैरेट यानी कि गाजर। गाजर को मैंने पतला पतला लंबा लंबा करके काटा हुआ है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैप्सिकम और दो ग्रीन चिलीज़। आपके पास अगर और ज़्यादा वेजिटेबल्स है तो आप वो भी लो। अभी लॉकडाउन के टाइम पे वेजिटेबल्स का यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसलिए मुझे जो जो मिला मैं वही ले रही हूँ। आप इसमें पीस और भी बहुत कुछ डाल सकते हो। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ किशमिश। किशमिश को मैंने थोड़े देर के लिए पानी में सोख करके रखा है। सोख करने से किशमिश थोड़ा सा फूल जाएगा। एंड यस, मैं ले रही हूँ काजू भी। कढ़ाई में लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल, और अब इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी काजू। काजू को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने तक। काजू को बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लोग, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, दैट्स इट। और इसे ज़्यादा और कुछ नहीं फ्राई करना है। तो काजू ऑलमोस्ट देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। अब मैं काजू को निकाल लेती हूँ। उसी ऑयल में मैं डाल दूंगी दो तीन तेज़पत्ता। अगर आपका राइस का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप तेज़पत्ता भी ज़्यादा लो या फिर कम लो, अगर आपको अरोमा पसंद नहीं है। और आप ऑयल का क्वांटिटी भी एडजस्ट कर सकते हो अपने राइस के हिसाब से। डाल दूंगी मैं गाजर को। गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हमने राइस में भी नहीं डाला था, राइस में नमक हम लोग बाद में डालेंगे, बस ज़रा सा नमक हमें डालना है। और यही नमक को एडजस्ट करके आपको बाद में भी डालना है ताकि नमक ज़्यादा मत हो। नमक डालने से गाजर सॉफ्ट हो जाएगा। गाजर सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो ये ब्रेक हो रहा है गाजर। अभी हम लोग डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली और कैप्सिकम जो हमने चॉप किया था। कैप्सिकम डाल के हमें ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं, ये चाइनीज स्टाइल में नहीं है, उसमें हम लोग सॉस वगैरह डालते हैं, मैं इसमें सॉस नहीं डालूंगी। ये पुलाव काइंड ऑफ है तो मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप का बनेगा। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हमें क्या करना है, फ्लेम को एकदम लो कर देना है, या तो फिर अगर चाहो तो आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हो। और मैं अपना राइस को इसमें डाल दूंगी। सारे राइस को इसमें डालने के बाद मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चीनी एक चम्मच छोटे चम्मच का, और मैंने इसमें डाला है काजू जो मैंने फ्राई किया, और किशमिश। ये सब कुछ डालने के बाद एकदम लो फ्लेम पे ही आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। राइस को मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो राइस बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारा जो चावल है वो भी एकदम अच्छा है, सौगी नहीं हुआ है। और राइस को आपको बार 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 चलाते नहीं रहना है, उससे ये राइस टूट जाएगा और चावल भी आपका सौगी बन जाएगा। सो ये हो गया है डन। इसको आप किसी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र कर लो कोई कंटेनर में, और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दो। सो द ईजी राइस रेसिपी इज़ रेडी। तो मैं अब बनाने वाली हूँ फ़िश करी। फ़िश करी जो मैं अभी बनाऊँगी, ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप उसको जाके ज़रूर देखना ये कैसे बनता है। मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप इसका दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है फ्राइड फ़िश, और अब मैं जो जो स्टेप्स फॉलो करूँगी आप देखना, और डिटेल वीडियो का लिंक ऊपर अवेलेबल होगा, उसको ज़रूर देखना।
लंच इज़ रेडी। सो यहाँ पे है ये आलू और करेला फ्राई, ये है साग, एक फ़िश फ्राई, ये जो फ़िश का ग्रेवी मैंने बनाया वो, दही और हमारा राइस। सो ये है मेरा बंगाली न्यू ईयर का लंच। सो इफ़ यू लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।